हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिंपल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस वन क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन किया था और 6.1 के अप टू 7 तक क्वेश्चन किए थे एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो अब वाले आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे हमने क्वेश्चंस लिख रखे हैं 8 to 16 और इस लेक्चर के अंदर हम 8 to 20 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे 6.1 एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले देखिए हम 8 क्वेश्चन करते हैं। सोल्व द इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स। यहाँ पे मतलब जो भी हमारे पास एक्स आएगा, एक्स कैसा है, रियल है, तो हमें जो भी सोल्यूशन सेट चाहिएगा तो वो हम किसे देख के फाइंड करेंगे, रियल को देख के फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है 3 × 2 − x = 2 × 1 − x। ये मैंने सारे क्वेश्चंस के स्टेटमेंट लिख लिए यहाँ पे 8 to 16। हम बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे। तो 8th क्वेश्चन है 3 × 2 − x = 2 × 1 − x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 − 3x = 2 − 2x आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से 2 है, 2 को हम इधर ले आते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको कैसे बताया था कि यहाँ पे -2 कर दो, यहाँ पे -2 कर दो, वो भी आप कर सकते हो, जो आपको इजी मेथड लगे वो आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 इधर आ जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी में भी तो आप यही करते हो ना, जैसे मान लो x + 2 = 2 होता था तो हम ये करते थे 2 − 2, तो यहाँ पे भी आपने यही फॉलो करना है। ये प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, देन 6 − 3x − 2 = −2x आ जाएगा। एंड 6 − 2 कितना होता है हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4 − 3x = −2x। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का 2x हम इधर ले आएंगे तो माइनस से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और प्लस वाला दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो −2x हम इधर ले आते हैं और ये प्लस का 4 हम उधर ले जाते हैं, तो प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ये −3x माइनस का है तो ये आ जाएगा +2x = −4 क्या आ गया, 4 आ गया। −3x + 2x क्या बचेगा, −x = −4। अब देखो दोनों साइड क्या है, माइनस है, और मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम यहाँ पे माइनस से माइनस जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर की जगह क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया। अब क्या आ गया, एक्स इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4 है। अब एक्स कैसा है, हमारा रियल है, तो हमें रियल को देख के यहाँ पे सोल्यूशन सेट बनाना होगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, ये कहता है कि एक्स है लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि एक्स छोटा है 4 से और 4 के बराबर भी है। छोटा कहां तक है, रियल को देखेंगे, रियल नंबर कहां तक जाता है, −∞ तक। तो क्या आ जाएगा, −∞, और यहां 4 लगा के −∞ पे क्या आती है, ओपन ब्रैकेट आती है। यहां पे देखो इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू साइन जहां पे आ जाता है वहां पे हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं, और इक्वल टू का साइन ना होता तो हम क्या ब्रैकेट यूज करते हैं, ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। देन हम यहां 4 पे क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये कहता है कि x की वैल्यू 4 भी यहां पे इंक्लूड है, क्योंकि क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 तो है और 4 से लेस भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, −∞ to 4 इन −∞ पे ओपन ब्रैकेट एंड 4 पे क्या जाएगी, क्लोज ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है x + x/2 + x/3 < 11 आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। कितना होता है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है हमारे पास। यहाँ क्या आ जाएगा, 6, और ये क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये आ गया 6x + 3x + 2x। ये सब तो आपको आता ही होगा, छोटी क्लासेस में आप करते आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 + 3 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 11x। 11x/6 = क्या जाएगा, 11 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 6 उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे क्या 1 है, ये लगा लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। या आप दूसरे तरीके से, मैंने आपको क्या बताया था कि क्या करना होता है, आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 ऊपर चला गया, तो ये आ गया x 66। 11 × 6 = 66 आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब यहां पे देखने वाली बात है कि आप, ये 6 क्या था, पॉजिटिव था, उधर चला गया। ठीक है, 11 क्या, पॉजिटिव है, तो हम 11 को नीचे डिवाइड कर सकते हैं। ये
कब डिवाइड कर सकते हैं, दूसरी तरफ कब नीचे लेके जा सकते हैं, जब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 11 पॉजिटिव है। अगर 11 नेगेटिव हो तो हम उसे दूसरी तरफ नहीं लेके जा सकते, ठीक है। या आप सीधा क्या कर लो, 11 से दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्लियर ये बात? तो ये अब क्या जाए, 11 टू 11 कैंसिल हो गया, ये कितना गया, 6 आ गया। यहाँ पे आप लिख देना साइड में कि हमने क्या किया है, 11 से क्या करें, डिवाइड किया ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस देन कितना आ गया, 6 आ गया। अब x कैसा है, हमारा रियल है, x क्या है, 6 से क्या है, छोटा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस इंफिनिटी टू 6, और 6 पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दे रखा, इक्वल टू का साइन होता तो क्लोज होता नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 10th क्वेश्चन क्या है, x by 3 is greater than x by 2 plus 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x by 3 as it is, पहले यहाँ पे 2 का क्या लेंगे हम, LCM ले लेंगे, क्या आ जाएगा, x plus 2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 इधर कर दो मल्टीप्लाई, और 3 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2x greater than 3 ऐसे आ गया, क्या आ जाएगा, x plus 2 आ गया। अब क्या हो जाएगा, ये 2x greater than 3x plus कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x को उधर ले जाते हैं, प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। या आप क्या कह सकते हो, 2x छोटा है, 2x को इधर ले आओ और 6 को इधर ले जाओ, 6 प्लस का, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस का 6 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस क्या आ गया, 2x आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 6 इज 3x माइनस 2x कितना होता है, x, यानी कि ये क्या लिखा जाएगा, x क्या आ गया हमारे पास, x इज लेस देन क्या जाएगा, माइनस 6, यानी कि x छोटा है माइनस 6 से, कहां तक हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस 6 पे क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन क्या है, 3 इंटू एक्स माइनस 2 बाय 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को यहाँ पे कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9, एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 25, 2 माइनस कितना आ गया, x आ गया। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, 9x माइनस कितना गया, 18, और लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 50 माइनस 25 एक्स आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 50 है, या तो इसे यहाँ पे ले जाओ, या 18 को वहां पे ले जाओ, 25 को यहाँ पे, जो आपको अच्छा लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। हम 25 को यहाँ ले आते हैं, तो 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 50 प्लस कितना आ गया मेरे पास, 18। 18 माइनस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस का 25 था, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस आ जाएगा। तो 25 प्लस 9x कितना हो जाएगा आपके पास, 34x लेस देन इक्वल टू यहां पे कितना आ जाएगा, 68। क्या आ गया, 68 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 34 से दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और आप लैंग्वेज लिख देना कि डिवाइड 34 वन बाय, तो या आप लिख सकते हो कि हमने मल्टीप्लाई करा 1/34 से ऑन बोथ साइड्स, या डिवाइड करा 34 से ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू ये कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कितने पे जाता है, 2 पे जाता है, ठीक है। तो कितना आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x 2 से छोटा और 2 के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी, और 2 पे क्या लग जाएगी हमारी, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगी, क्योंकि इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू का साइन ना होता तो क्या लगता, ओपन ब्रैकेट लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12th, 1/2 इंटू 3x बाय 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 इंटू x माइनस 6 हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 5 को एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया 5, ये आ गया 3x प्लस कितना आ जाएगा, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना आ गया, 1/3 x माइनस 6। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 अब ऊपर एलसीएम ले लिया, तो हमें क्या, 5 को हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं, तो ये यहाँ पे लिख दो, चाहे इसे बार लिख दो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। अब इस 10 को तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3x प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इंटू x माइनस कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9x प्लस 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस कितना आ गया, 60 आ गया। अब ये क्या, प्लस का 60 उधर ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, और या आप क्या कर सकते हो, ये माइनस का 60 यहाँ पे ले और 9x को उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आ जाएगा, 60 माइनस 60 यहाँ पे ले आए, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x, 9x प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास, 120 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो यहां से हमें क्या मिल गया,
हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 120, x छोटा है 120 से और इक्वल भी है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 120 पे क्या जाएगी, क्लोज ब्रैकेट। अब आपको पता लग गया होगा क्लोज एंड ओपन का फर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा 13th क्वेश्चन है, 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6 इंटू x माइनस 2। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 4x प्लस 6 माइनस 10 इज लेस देन 6x माइनस कितना आ गया, 12 आ गया। माइनस 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का क्या आ गया, 12 आ गया। अब ये 12 इधर ले आते हैं, 4x को उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 12 लेस देन 6x माइनस क्या आ जाएगा, 4x। माइनस का 12 जब यहां आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 4x जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास 8 और ये कितना आ गया 2x, तो यहां पे क्या आ जाएगा 8, 2 से हम क्या कर देंगे दोनों तरफ डिवाइड कर दो, कितना आ गया 4 और कितना आ गया x, यानी कि यहां से क्या मिला मुझे, x इज ग्रेटर देन 4, x क्या है 4 से बड़ा है, तो हम सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 4 टू इन्फिनिटी, और 4 पे क्या आएगी हमारी ओपन ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे भी क्या आएगी ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा 14th क्वेश्चन क्या है, 37 माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू x माइनस 3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 30 ब्रैकेट का हम रिमूव करते हैं, माइनस है बाहर तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का हो जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 9x ये क्या हो जाएगा माइनस 8x माइनस माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब 37 माइनस 5 कितना होता है 32, ये आ जाएगा 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9x, 9x माइनस 8x कितना आ गया हमारे पास x आ गया, x प्लस कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, 24 हम यहां ले जाते हैं, 3x को हम वहां ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 34 माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब 24 में से हमें क्या माइनस करना है, यहाँ पे 32 को माइनस करना है, तो कितना आ गया यहाँ 32 माइनस 24 इज ग्रेटर देन x प्लस 3x आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया 2। अब हमारे पास क्या आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या आंसर क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड 2 पे क्या बनेगी हमारी क्लोज ब्रैकेट बनेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, x बाय 4 इज लेस देन 5x माइनस 2 बाय 3 माइनस 7x माइनस 3 बाय 5। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, उसे सिंपल करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है हमारे पास 15 आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस क्या आ गया 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, पहले हम ऊपर वाले को सिंपल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 25x माइनस 10 माइनस कितना आ जाएगा 21x माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 9 अपॉन क्या आ गया 15, x बाय 4 लेस देन 25 माइनस 21x कितना आ गया 4x आ गया हमारे पास, और माइनस 10 प्लस 9 कितना आ गया माइनस 1 बाय कितना आ गया 15। अब 4 हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 15x लेस देन 4 इंटू 4x माइनस 1 आ गया, देन 15x लेस देन 16x माइनस कितना आ गया 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे माइनस 4 इधर ले जाते हैं, 15x को उधर ले जाते हैं, माइनस 4 प्लस का हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, देन 4 16x माइनस 15x, तो क्या आ गया मेरे पास यहां से आ गया 4 लेस x आ जाएगा लेस देन x, इसका मतलब क्या हम क्या लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 4, x क्या है 4 से बड़ा है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां से 4 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट एंड ऑल्सो 4 पे भी ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। 16 क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1 बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 बाय 4 माइनस 2 माइनस x बाय 5 हो जाएगा। पहले ये वाला तो हम एज इट इज रखते हैं, उधर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है हमारे पास 20 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 3x माइनस 2 और यहां क्या आ जाएगा माइनस 4 इंटू 2x माइनस 2 माइनस x आ जाएगा। पहले वहां हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x बाय कितना आ गया 20, 2x माइनस 1 बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x प्लस 4x कितना आ जाएगा 19x माइनस 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस का 18 अपॉन क्या आ गया 20। अब 20 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 यहां हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 19x माइनस 18,
ये कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 40x माइनस कितना आ गया 20, और 3 को 19 से करें 7, 3 इंटू 19x माइनस 18 कितना आ जाएगा 57x माइनस 54 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 40x को उधर ले जाएंगे और 54 को यहां ले आते हैं, तो माइनस 20 प्लस 54 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 40x, ठीक है। तो यहां से 20 माइनस का 54 प्लस का है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहां पे 34 प्लस का ग्रेटर देन इक्वल टू 17x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x आ गया, 17 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ गया 2, ये आ गया 1, दैट मींस क्या आ गया मेरे पास आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, x लेस देन 2 से बट इक्वल भी है, तो क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू 2, और 2 पे क्या आ जाएगी हमारी क्लोज ब्रैकेट। तो ये हो गए हमारे अप टू 16th क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट 17 टू 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सोल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे हमें क्या, सॉल्यूशन सेट तो बनाना ही, साथ में उसे ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले 17th क्वेश्चन हम करते हैं। 17th क्वेश्चन है 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। काम क्या है, वही है, बिल्कुल सेम वही जो हम करते आ रहे क्वेश्चन वैसे करना है, बस यहाँ पे नया काम क्या है कि नंबर लाइन बनानी है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, 2x यहाँ ले जाते हैं, माइनस 2 उधर ले जाते हैं, 3x माइनस 2x हो जाएगा, 1 प्लस 2 आ जाएगा, देन x इज लेस देन कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब देखिए क्या है इसका मतलब, पहले हम इसका क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट, x के लेस देन 3 है तो क्या हो जाएगा, और रियल की बात ही चलती है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 3 आ जाएगा, और 3 पे भी क्या लगेगी हमारी ओपन ब्रैकेट लगेगी। अब हम बनाते हैं नंबर लाइन, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी तक जाती है, वो क्या जाती है प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि माइनस इन्फिनिटी टू क्या है, मेरे पास 3 है और 3 पे क्या है ओपन ब्रैकेट है। सबसे पहले ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का आप फर्क समझिए क्या है। अगर यहाँ पे ओपन का मतलब क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर 3 जो है वो इंक्लूड नहीं है, मतलब हम नंबर लाइन स्टार्ट करेंगे, नंबर लाइन क्या चलेगी, इधर चलेगी ना, ये कहता ना x छोटा है 3 से, दैट मीन्स नंबर लाइन क्या चलेगी, या ये पर्टिकुलर मैं एक 3 वाला पॉइंट छोड़ दूंगी यहाँ पे। क्यों छोड़ दूंगी, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, यानी कि इक्वल टू नहीं है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है। अगर यहाँ पे ऊपर, दैट मीन्स क्या बनेगा, यहां से चलता जाएगा और ये सारी लाइन आप क्या कर दोगे, इधर से डार्क कर दोगे, ये क्या है इसकी नंबर लाइन। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होती, तो मैं इस 3 के डॉट को नहीं छोड़ती, मतलब यहाँ पे मैं 3 को खाली नहीं छोड़ती, 3 को भी फिल करती है, मैंने 3 को खाली छोड़ा, मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ 3 के जस्ट पीछे से, तो ये क्या होगी हमारी नंबर लाइन। ये समझने वाली बात है, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट का फर्क मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेस या ग्रेटर में हम ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू में हम क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, और यही चीज हम नंबर लाइन पे यूज करते हैं क्या, कि जब ओपन ब्रैकेट होते हैं तो पर्टिकुलर दैट पॉइंट हमें छोड़ना होता है, क्लोज ब्रैकेट में वो पर्टिकुलर पॉइंट भी आता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि 1, 2 मैंने 5 पे क्या कर दी, क्लोज ब्रैकेट कर दी, और मैंने आपको कहा है कि अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर्स बताओ कि कितने होंगे, इसका मतलब है सेट क्या बनेगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड ऑल्सो 5 भी आएगा। अब यही बात अगर मैं क्लोज ब्रैकेट की करती हूँ कि 1 और 5, और बात करती हूँ फिर से नेचुरल नंबर के अंदर कि 1 और 5 इस सेट में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, तो आप क्या लिखोगे इस सेट के अंदर, 2, 3 एंड 4। आप यहाँ पे 1 और 5 को इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि उन पे क्या है ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है हमें इन पॉइंट्स को छोड़ना है। वही सेम चीज हम नंबर लाइन पे अप्लाई करेंगे, 3 पे ओपन ब्रैकेट थी तो मैंने पर्टिकुलर 3 पॉइंट को छोड़ दिया और उसके पीछे से सारी लाइन क्या कर दी, डार्क कर दी। तो ये क्या होगी हमारा ग्राफ हो गया, नंबर लाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3x इधर ले आते हैं, माइनस 3x हो गया और माइनस 3 उधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस 5 प्लस क्या हो गया 3 आ गया, ये आ गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2।
यानी कि क्या है, x क्या है, बड़ा है माइनस टू से कहां तक और इक्वल भी है, तो क्या बनेगा हमारा सॉल्यूशन सेट, माइनस टू पे क्लोज ब्रैकेट अप टू कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि x क्या है, बड़ा है माइनस टू से, अप टू कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो नंबर लाइन बनाते हैं अब इसकी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा हमारे पास, -3 भी ले लो यहां से एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन, यानी कि ये क्या कहता है, माइनस टू से स्टार्ट होके अप टू कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहां पे देखो क्लोज ब्रैकेट है, तो क्या माइनस टू इंक्लूड है, बिल्कुल है, यहां पे माइनस टू पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस टू से लेके चलेंगे, डार्क करते जाएंगे लाइन को, और ये सारी अप टू लास्ट तक हम क्या कर देंगे, इसे डार्क कर देंगे, तो ये क्या होगा, हमारा ग्राफ बन गया। अगर यहाँ पे माइनस टू पे ओपन ब्रैकेट होती तो हम पर्टिकुलर माइनस टू को छोड़ के उससे जस्ट आगे से हम इसे स्टार्ट कर देते, तो ये कौन सा हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करेंगे 19th क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 19th क्वेश्चन क्या है, 3 × 1 − x = 2 × x + 4 हो गया, तो क्या आ जाएगा, 3 − 3x 2x + कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x को हम यहाँ ले जाते हैं और 3 को वहां ले जाते हैं, −3x − 2x < 8 − 3, ये क्या आ गया, −5x < कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड -5 से डिवाइड कर देंगे, -5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, डिवाइड बाय -5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, −5x / −5 लेस है तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा, ये बात ध्यान देने वाली है। मैंने -5 से डिवाइड किया या 1 हम बोल सकते हैं कि -1/5 से मल्टीप्लाई किया, एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -5 से -5 कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आ गया, x > −1 आ गया, यानी कि x क्या है, -1 से बड़ा है, तो क्या बनेगा, -1 to infinity, लेकिन -1 पे क्या आएगा हमारे पास, ओपन ब्रैकेट आएगी। नंबर लाइन पे शो करते हैं हम इसे, 0, 1, 2, 3 and so on, −1, −2 and −3 and so on, क्या -1 पॉइंट अब इंक्लूड नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहां से स्टार्ट करेंगे -1 को छोड़ के, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, लाइन को डार्क कर देंगे, ये क्या हो जाएगी हमारी नंबर लाइन। ओपन ब्रैकेट थी तो -1 को इंक्लूड नहीं किया, क्लोज होती तो -1 को इंक्लूड करते, तो ये हो गया हमारा 19th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करेंगे 20th क्वेश्चन क्या है, x/2 > 5x − 2/3 − 7x − 3/5, तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसे x/2 > 5x − 2/3 − 7x − 3/5 तो सबसे पहले हम वहां पे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 20th क्वेश्चन, x/2 > 15 कितना आ गया, 15 आ गया, एलसीएम 3 और 5 का यहाँ पे आ जाएगा 5 × 5x − 2 − 3 × 7x − 3 आ गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, x/2 > मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 25x − 10 − 21x + कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अपॉन कितना आ गया 15, x/2 > 25 − 21x कितना आ जाएगा 4x, −10 + 9 कितना हो जाएगा, −1 अपॉन 15, 15 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा 15x > 2 × 4x − 1 आ गया, तो ये आ गया 15x > 8x − 2 आ जाएगा। अब 8x हम यहां पे ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 15x − 8x > −1 का कितना आ गया, 2 आ गया, 15 − 8 हमारे पास कितना आ जाएगा 7x > −2, देन x इज क्या आ जाएगा > हम क्या करते हैं यहाँ पे 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, 7 and also 7 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास x > −2/7। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, तो क्या है मेरे पास x > −2/7, तो ये क्या बनेगा −2/7 पे क्या आ जाएगी, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन गिवन है, 2/7 अप टू कहां तक आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा। अब हम इसके क्या बनाते हैं, नंबर लाइन, 0, 1, 2, 3 and so on, −1, −2 and so on। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, −2/7, तो ये क्या आ जाएगा, -0.2
टू समथिंग आएगा तो हमें ये देखना है ये पॉइंट कहां पे मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समथिंग यहां पे मिलेगा, तो यहां से हम क्या करेंगे इसे, क्योंकि माइनस का है ना, माइनस का जब आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी, नंबर लाइन पे आपको पता है पॉइंट्स क्या होते हैं, 0.1 0.2 इस टाइप से होते हैं आपको, तो यहां से ये वाला पॉइंट बनेगा और यहां से हम क्या करेंगे अप टू इंफिनिटी तक इसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, तो ये क्या होगी हमारी इसकी नंबर लाइन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि हमें ग्राफ पे करने, नंबर लाइन पे करने, पहले हमने सॉल्यूशन सेट बनाए थे, तो आज ये हमारे अप टू 20 तक क्वेश्चन हो जाते हैं। 6.1 में एक्सरसाइज, फिर 21 से नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।